वेलकम बैक टू द चैनल आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूंग ग्रेड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्लिपकार्ट हॉल एंड इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जम्प सूट ड्रेसेस टॉप एंड पैंट हॉल सो येस स्टेट यून इन दिस वीडियो सो फ्रेंड फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज अंप सूट एंड सो फ्रेंड फ्रंट इसकी कुछ इस टाइप की है जो कोट की कॉलर होती है सेम वही कोट कॉलर है इसकी फ्रंट में एंड स्लीवलेस है ये ड्रेस एंड फैब्रिक है इस जंपसूट सूट की रेऑन फ्रंट में कुछ इस टाइप से बटन हमें मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ थ्री बटन्स हैं जो कि ओपनेबल है ये यहाँ से इस टाइप से ओपन हो जाते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है वेयर करने में एंड इसमें साइज स्टार्ट होती है फ्रॉम एक्सेस टू डबल एक्सएस बट आई सजेस्ट कि आप इसमें आपकी जो भी एक्चुअल साइज हो आप उससे एक साइज आप लेट थोड़ी ढीली हो तो कंफर्टेबल होती है वेयर करने में मेरी जो साइज थी वो एस थी इसमें बट इसमें मैंने मेरे लिए साइज एम पर्चिस की और मुझे काफी कंफर्टेबल लगी एंड नाउ पैटर्न देखते हैं इसकी कुछ इस टाइप की फ्लोरल प्रिंट है ऑल अराउंड ऑलराउंड जम्पसूट में एंड यहाँ पे बस्ट एरिया के नीचे हमें इतनी ब्रॉड सी इलास्टिक मिल जाती है जो मीन्स वेस्ट लाइन को बहुत ही अच्छे से हक कर लेती है एंड फ्रेंड इसमें कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है रेड एंड ग्रीन मैंने ये ब्रांड फर्स्ट टाइम ट्राई की है इसलिए मैंने ये ग्रीन कलर लिया बट इसकी जो रेड है वो भी बहुत अच्छी है एंड डेफिनेटली मैं उसे भी परचेज करूंगी बिकॉज बहुत ही कंफर्टेबल लगी मुझे ये वेयर करने में एंड लुक भी इसकी बहुत ही अमेजिंग आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज अ शीत ड्रेस एंड इस बार मैंने जो ये शीत ड्रेस परचेज की है ये फुल लेंथ की ली है मैंने मीन एंकल लेंथ है इस ड्रेस की सो so, uh, ये कुछ इस टाइप की ब्लैक एंड गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन में मिलती है हमें ये शीत ड्रेस इसमें ना कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है मीन ये जो सीक्वेंट के ये वर्क है वो uh, ब्लैक के ऊपर सिल्वर एंड पर्पल दो और कलर ऑप्शन थे जो की अवेलेबल थे बट मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी दस पे मैंने इसे पिक की है फ्रंट से इस टाइप से वी नेक है इसकी थ्री फोर्थ स्लीव है एंड ये एंकल लेंथ तक आती है एंड वन साइड में हमें कुछ इस टाइप से स्लिट मिल जाती है जिसकी वजह से प्रॉपरली वॉक कर पाते हैं एंड ऑल्सो काफी क्लासी सी लुक आती है बैक साइड से राउंड नेक है एंड बैक साइड से ये बिल्कुल प्लेन है कुछ भी वॉक नहीं है बैक साइड से जितनी भी पैटर्न है जितने भी सीक्वेंस है वो फ्रंट में है एंड स्लीव्स पे है फैब्रिक है इसकी कॉटन लाइक्रा ब्लेंड एंड इसमें जो साइज uh, ऑप्शन है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम एस टू ट्रिपल एक्सएल सो फ्रेंड आप इस वाले ड्रेस को जरूर ट्राई करें मैंने पर्टिकुलरली इस ड्रेस को परचेज uh, की है फॉर माय एनिवर्सरी सो आप भी कुछ एलिगेंट सा और क्लासी सा लुक चाहते हैं फॉर एनी नाइट फंक्शन लाइक योर बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी और एनी नाइट फंक्शन तो आप इस वाले ड्रेस को जरूर कंसिडर करें बिकॉज uh, वेयर करने में भी काफी कंफर्टेबल थी इसकी जो सीक्वेंट वगैरह है वो इनर साइड से छुपती नहीं है बिकॉज इनर साइड से उन्होंने प्रॉपर लाइनिंग अटैच करके दी है ये सीक्वेंस साइड में है एंड देन एक लाइनिंग है जो हमें इन साइड में मिलती है एंड ये लाइनिंग स्लीव पे भी है जिसकी वजह से ये बिल्कुल हैंड को हर्ट नहीं करती है सो so ये बहुत ही कंफर्टेबल है एंड इसमें मैंने मेरे लिए साइज पिक की है एस आपकी जो भी एक्चुअल साइज हो आप उसे ही परचेज करेंट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज अ ड्रेस एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज सो so, फ्रेंड कुछ इस टाइप की फ्लोरल येलो कलर की लाइन येलो कलर की है ये ड्रेस फ्रंट से इस टाइप से वी नेक है एंड शॉर्ट स्लीव हमें मिल जाती है बैक साइड से हमें राउंड नेक मिलती है एंड बस एरिया के बाद हमें कुछ इस टाइप की पैटर्न मिलती है हावे ये इलास्टिकेबल नहीं है तो आपकी जो भी एक्चुअल साइज हो आप उसे परचेज करें नी लेंथ की है ये ड्रेस एंड नीचे आके काफी फ्लैरी हो जाती है एंड इसके साथ हमें सेम कलर की लाइनिंग भी अटैच मिलती है साइड में हमें मिल जाती है इस टाइप से जिप क्लोजर सो दैट कम्फर्टेबल हो ये वेयर करने पे एंड इसकी जो फैब्रिक है दैट इज पॉलिएस्टर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी इस ड्रेस के लिए कि ये जो ड्रेस है इसकी स्लीव्स कुछ इस टाइप से है बट इनर साइड से भी उन्होंने कुछ इस टाइप की शॉर्ट सी स्लीव दी हुई है जिसकी वजह से जब आप वेयर करते हैं तो ये वाली पैटर्न यहाँ पे कुछ ऐसे फूली फूली टाइप की लगती है साइड में आप वीडियो में देख पा रहे होंगे सो so, मुझे ये वाली पैटर्न अच्छी नहीं लगी ये भी उन्होंने ये ऑप्शन दिया हो कि अगर आपको ये बड़ी स्लीव नहीं चाहिए तो आप इसे मूव करा लो एंड देन ये वाली शॉर्ट स्लीव के साथ आप जा सकते हो ऐसा मुझे लगता है आई डोंट नो उन्होंने क्यों ये वाली दे रखी है सो so, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई बट येस ओवरऑल पैटर्न बहुत अच्छी है बिल्कुल समरी सी प्रिंट है एंड यस आप इस ड्रेस को ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज अ टॉप एंड पैंट ड्रेस सो येलो कलर की है ये ड्रेस सो स्टार्ट करते हैं टॉप से सो कुछ इस टाइप की राउंड नेक की है ये टॉप एंड स्लीवलेस हाइज के साथ हमें कोई भी स्लीव नहीं मिलते हैं बैक साइड से भी राउंड है एंड इस टाइप से हुक मिलती है जिसे ओपन करने के बाद आप इजिली इसे वेयर कर सकते हो एंड वन मोर थिंग इनर साइड से हमें इस टाइप की लूप मिलती है जिससे कि मीन्स uh, जो भी हम इनर वेयर पहनते हैं वो मे बी शो हो जाए दैट्स फेल उन्होंने लूप दे रखी है जिससे कि आप अपने इनर वेयर को बहुत ही अच्छे से हाइड कर सको एंड एंड डब्ल्यू ब्रांड में इन सब चीजों को बहुत ही क्लोजली वो लोग मॉनिटर uh, करते हैं और तभी वो ड्रेस बनाते हैं एंड इसलिए मुझे ये पर्टिकुलर कुछ ब्रांड्स लाइक डब्ल्यू एंड ओरिलिया ये सभी बहुत अच्छे लगते हैं बॉटम so, में आके सी ये कुछ इस टाइप से फ्लैरी हो जाती है तो so, वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छी लुक आती है तो येलो के ऊपर व्हाइट स्ट्राइप में है ये टॉप एंड पैंट की सेट तो ये है टॉप एंड दिस इज द पैंट फ्रंट में कुछ इस टाइप की है एंड बैक साइड से इसमें इलास्टिकेबल वेस्ट है बहुत ही कंफर्टेबल है बहुत ही अच्छी है और इसकी जो फैब्रिक है दैट इज विस्कॉस एंड धोती टाइप के पैटर्न में हमें मिलती है इसकी पैंट बहुत ही कंफर्टेबल एंड बॉटम में आके इस टाइप से बहुत ही अच्छी इलास्टिक हमें मिलती है सो so इसकी लुक बहुत अच्छी आती है एंड इसमें मैंने मेरे लिए जो साइज पिक की है दैट इज एस लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज दिस ड्रेस दिस इज अ फिट एंड फ्लेयर ड्रेस एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड टोकियो टोकीज सो कुछ इस टाइप की स्ट्राइप टाइप की पैटर्न है इसकी आ, आप अगर ऐसे पहनने में कम्फर्टेबल है तो आप इसे एज इट इज भी डाल सकते हैं अदरवाइज आप इसके नीचे कोई भी टी शर्ट या क्रॉप टॉप डाल सकते हैं फ्रंट से इसकी लुक कुछ इस टाइप से है एंड बैक साइड से इसकी लुक कुछ इस टाइप की है एंड ऑल्सो हमें इसके साथ भी मिलती है साइड में जिप क्लोश सी इस टाइप से जिप क्लोजर मिल जाती है हमें इसमें सेल्फ अटैच फैब्रिक की ही हमें बेल्ट मिल जाती है एंड इस बेल्ट को यहाँ पे फिक्स करने के लिए हमें लूप भी मिलती है बहुत ही क्लासी सी है ये ड्रेस एंड इसके साथ हमें ना इस टाइप की सेम कलर की लाइनिंग भी मिल जाती है सो so, ये सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है एंड बहुत ही कम्फर्टेबल सी बहुत ही गर्लिश सी लगती है ये वाली जो ड्रेस uh, है पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छी लगी एंड इसकी जो फेब्रिक है दैट इज कॉटन ब्लेंड एंड इसमें जो साइजेस है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम एस टू एक्सेल तो यार फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इस वीडियो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जितनी भी प्रोडक्ट शेयर किए हैं सभी के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा एंड यस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आल सी यू सो इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बो टेक केयर